हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में। और आप सभी का जो फीस पेमेंट करने का डेट था वो फाइनली एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। 18 तारीख तक था, यानी आज तक था आपका फ़ीस पेमेंट करने का, और एक दिनों का एक्सटेंशन किया गया, यानी 19 जुलाई तक आप अपना जो भी फीस वगैरह है वो फीस पेमेंट कर सकते हो। रात के 12 बजे से पहले आप अपना पेमेंट कर देना कल, क्योंकि डेट चेंज होने से पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सटेंड हो चुका है, अब दोबारा एक्सटेंशन नहीं होगा। तो काफ़ी लोग अभी पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो आप अपना पेमेंट कर दीजिए। ये आपके लिए अच्छा मौका दिया गया है पोर्टल के तरफ से, ठीक है। तो देख सकते हो इन्होंने इंपॉर्टेंट मैसेज में भी दे रखा है, लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट एक्सटेंडेड टिल 19 जुलाई 2024, 24 आवर्स, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बोल रखा है। डिटेल पे मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, कुछ यहाँ पे मैसेजेज है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि स्टूडेंट मस्ट फर्स्ट टेक एडमिशन टू दियर अलॉटेड सीट टू बिकम इंटाइटल फॉर कंसिडरेशन इन द अपग्रेडेशन राउंड। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है कि जो स्टूडेंट है पहले एडमिशन लेंगे, तभी जो भी अलॉटेड सीट है तभी आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे, यानी ये लोग कंसाइडर करेंगे। कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन बोथ रिजर्व एंड नॉन रिजर्व कैटेगरी आर एडवाइज टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। तो वो कैंडिडेट को अलॉटेड सीट दिया गया, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं है जब जाते हो टेक एडमिशन के बाद, तो वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है कि आप रिजर्व से हो या अन रिजर्व से हो। तो जो आपने किया होगा वही आपको दिख जाता है। बाकी आपको फ़ीस वगैरह से रिलेटेड इन्होंने बोल रखा है कि आप फीस वगैरह पेमेंट कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या QR कोड UPI के द्वारा आप कर सकते हो। आपको ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। आपके पास एक सफिशियंट बैलेंस रहना चाहिए जितना पेमेंट मांगा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तो आप प्रोविजनली एडमिटेड आप हो जाइएगा, ठीक है। और डाउनलोड एडमिशन रिसिप्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वायरी रह रहा है तो इस क्या बोलते हैं ईमेल और कॉल पे आप जो भी नंबर दिया गया है इस पे आप अपना इंक्वायरी ले सकते हो। तो इस पे तो मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, तो इम्पोर्टेंट मैसेज था, सोचा आपको बता देता हूँ। अब चलते हैं हम लोग ये क्लिक हेयर फॉर डिटेल पर, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये काफ़ी मतलब ये हो जाता है, ये शायद PDF है, वेट अ मिनट, थोड़ा सा ओपन हो रहा है। हाँ, देख सकते हो रिवाइज शेड्यूल ऑन सेंट्रलाइज पोर्टल, इन्होंने रिवाइज दे रखा है। तो देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट, ये क्या गया। हाँ, तो देख सकते हो पब्लिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन वाइज एंड कोर्स प्रोग्राम वाइज सीट अलॉटमेंट इन द अपग्रेड राउंड ऑफ फर्स्ट फेज। तो 23-20 जो अपग्रेडेशन होगा इंस्टीट्यूट वाइज सीट अलॉटमेंट इन अपग्रेडेशन राउंड ऑफ अपग्रेड राउंड ऑफ फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज का जो रहेगा 23 जुलाई को आने वाला था, ठीक है, वो 24 जुलाई को आएगा आपको, ठीक है। ये क्योंकि एक दिन का एक्सटेंशन हुआ है। एडमिशन अगेंस्ट सीट अलॉटमेंट इन द अपग्रेड राउंड फर्स्ट फेज, तो जो एडमिशन होगा, जो सीट अलॉटमेंट जिनको किया जाएगा अपग्रेड राउंड वन का, तो उनको 23 जुलाई to 26 जुलाई था, तो इन्होंने 24 जुलाई को कर दिया है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, इसको मैं डाउनलोड अभी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं एक रिवाइज शेड्यूल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप मतलब ये थोड़ा सा डेट को चेंज किया गया, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। तो आपके लिए यही था, बाकी मैं शेड्यूल वाला थोड़ा देर में मैं उसको अच्छे से समझ के आपको मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा। अभी तो मतलब ओवरव्यू में आपको बताया हूँ कि कैसे वो अलॉट करेंगे, बाकी वो आप देख लेना है। डिटेल अगर आपको देखना है तो मैं थोड़ी देर में उसको समझा दूंगा। बस आपके लिए इतना अपडेट है कि 19 जुलाई तक आपका एक्सटेंड हो गया फीस पेमेंट करने का। बाकी नेक्स्ट जो भी होगा वो शेड्यूल जो है वो मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो आप अपना जो भी फीस पेमेंट वगैरह करना है तो कर लीजिए, आपको टाइम दिया गया, एक दिनों का एक्सटेंशन किया गया,
तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, अगर जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तब तक आपका सीट क्लियर नहीं होगा और आप अपग्रेडेशन राउंड में नहीं जा पाइएगा। इसलिए आपको सबसे पहली बात कि अगर कोई भी कोर्सेस या कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिला है तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, यानी फीस जमा करना पड़ेगा, तभी आप आगे का फर्दर राउंड में बने रह सकते हो, ठीक है। यही चीज़ें हैं, बाकी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, काफ़ी वीडियो मैंने बताया है, तो आप रेगुलर होंगे तो आप देख ही रहेंगे। बाकी जो न्यू कैंडिडेट हैं आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा वहाँ पे, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन से रिलेटेड मैंने अपडेट करके एक प्लेलिस्ट बनाया वहाँ पे, देखिए काफ़ी डिटेल में मैंने बात कर रखा है। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए यही था वीडियो, बाकी आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और जो भी आपके लिए जानकारी होगा वो जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।